वासी हैं जिला खीरी लखीमपुर के, और जो ढोलक पर बैठे हैं इनका नाम रमेश चंद और ये गोला के रहने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दें, और हमारे मित्रा जी जो ये कैमरा लिए बैठे हैं, ये ढोला की कहानी नेट पे डाली जाएगी। आप लोगों के सामने सबके हाथ जोड़ता हूँ, कोई शोरगुल मत मचाए। दोस्तों ध्यान दें, हाँ मित्रा जी इस चीजों चैनल मोहम्मदी खीरी भैया मैक मास्टर जरा थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो मेरे भाई। हेलो 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 हेलो, हाँ प्यारे छत्रो ध्यान दे, हमारी कहानी भैया काजल ने बताया था कि प्रथम फांसी मौसी की दीवानी, लेकिन नहीं, इनका कहना है मंझा का बनिवास राजनल का जन्म सुनाइए। तो आप लोग इन दोनों में कोई भी अगर बताए वही हम सुना सकते हैं। और फिर ढोला की कहानी बाउन है, बाउन कहानी में आप जो भी कोई बताए उसको मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ प्यारे सज्जनों, हमारे भैया काजल का कहना है मंझा का बनेवास। तो दोस्तों ध्यान दें, आज राजा प्रथम अपनी रानी मंझा के साथ अंटा पे कैसी सारपाल से खेलेंगे। दोस्तों ध्यान दें, और इसके बाद थोड़ी सी कहानी आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ, ध्यान से सुनें। जय माता मेरी जय लता, अरे मुझे मेरी मैया समताल कंठ सुर ज्ञान। भैया साजिंदो ध्यान से, हाँ पहले सुमिरई घुरते बजी तुम, अरे राखौ राज मेरी सभा बस।
ये मंझा का बनेबास किस तरीके से होता है, आज राजा प्रथम अपनी रानी मंझा के साथ अंडा पे कैसे शारपा से खेलेंगे। तो आज राजा प्रथम कहते हैं नौकर से, जाओ रानी को बुला के जल्दी लाओ, जब से मेरे शादी अटनगर से करके लाई रानी के साथ में मेरे पास ही नहीं खेले हैं। ये मंत्री जाइए सीने किला के लिए और रानी को बुला के लाओ। रानी जी हाँ इधर कहानी। अरे राजा प्रथम की कन्हैया रस भौरी पायलता के भी और बराती लाल, ये दोनों जो ने मिलकर के 50 रुपया देते हैं और 20 रुपया हमारे भैया माता दीन यहीं के निवासी ये बिहार में देते हैं और उनका कहना है कि ढोला के लिए सुनाओ बढ़ाते जो। Oh,
नोट जो बोला था हमने माता जी के नाम से, नहीं है भाई जोगिंदर भाई, माता जी के भाई, इन्होंने 20 रुपए दिए थे। हम कमघटा के निवासी, ये 20 रुपया आपके लिए खुश होकर के उनका बिहार में देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई भोला था, भोला था।